हेलो स्टूडेंट्स चलिए पीएच कैलकुलेट करते हैं हम आयनिक क्लुबरिया में बात कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की और उसमें केस ले रहे थे सेकंड केस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस तो उसकी पीएच कैलकुलेट करें ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए थे मैं एक बार वापस लिख देता हूँ एक्सप्रेशन तो एन हाइड्रोलिसिस हम पढ़ रहे थे प्लस वाटर से रिएक्शन करने के बाद इट फॉर्म्स एच ए प्लस ओ एच माइनस के एच हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था कितना आया था के डब्ल्यू अपॉन के ए साथ में हमने के एच की वैल्यू ऐसे भी लिखी थी एच स्क्वायर अपॉन सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच इसे इक्वेशन नंबर वन कहा था और यहाँ से अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन करने के बाद जो आई थी दैट इज स्क्वायर रूट के एच अपॉन सी अब हमें पी एच और कैलकुलेट करनी है तो लेट लेटेस्ट कैल्कुलेट दी एच ये कंसेंट्रेशन सी थी वन माइनस एच एच इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये बना सी एच ये बना सी एच तो कैलकुलेशन ऑफ पी एच तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इक्लोबियम सिस्टम से ही दिखाई पड़ रहा है देखो ये ओ OH एच माइनस है तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस सी इंटू एच सी इंटू एच की वैल्यू ये वैल्यू यूज कर सकते हैं जिसमें हमने एच को इग्नोर कर दिया था इन कंपेरिजन टू पॉइंट इन कंपेरिजन टू वन सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन सी सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ के डब्लू अपॉन के इंटू सी बट हमें एच प्लस चाहिए होगा पी एच फाइंड आउट करने के लिए तो एच प्लस इजिकल टू आप जानते हैं के डब्लू अपॉन ओ एच माइनस सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ जब सॉल्व करोगे ओ एच माइनस की वैल्यू रखोगे तो यू गेट के डब्लू इंटू के ए अपॉन सी लॉग लेंगे और नेगेटिव लॉग लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी यही है एक्सप्रेशन ऑफ पी एच इन दिस पर्टिकुलर केस तो यहां से अच्छा ये कब एप्लीकेबल है एप्लीकेबल वेन एच इज लेस दैन इक्वल टू पॉइंट वन तभी अप्लाई करना है इवन ये वाला फॉर्मूला भी इसमें भी हमने अप्रोक्सीमेशन किया था कब अप्लाई होगा वेन एच इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट वन तभी आपको ये अप्लाई करना है हमने इसी को यूज करके किया है यहां पर ये पीएच की वैल्यू तो अच्छा यहां से पीएच की वैल्यू सात से ज्यादा आती है तो सच सोल्यूशन आर एल्कालाइन आर एल्कालाइन और बेसिक एंड टेस्ट कैसे करेंगे एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू लिटमस टेस्ट एक बहुत ही इजी टेस्ट है फॉर डिटेक्टिंग वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक तो ये बात हम यहां लिख भी लेंगे कि जब भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो यह एनायनिक हाइड्रोलिसिस है एनायन का हाइड्रोलिसिस ओ एच माइनस बन भी रहे तो सोल्यूशन विल बी बेसिक तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस गिव्स द सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बेसिक सॉल्यूशन। तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस इक सोल्यूशन लाइक दैट वी से अच्छा यहां से इस वाले फॉर्मूले से एक और बात कह सकते हैं हम के जितना कम होगा एसिड का उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा क्यों अगर एसिड बहुत वीक है तो के काफी स्मॉल होगा तो के एच विल बी लार्ज और के एच अगर लार्ज होगा तो दिस रिएक्शन विल बी शिफ्टेड हाईली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन विल बी क्वाइट हाई तो जितना वीक एसिड होगा तो ये भी इस पॉइंट को लिख देते हैं वीकर इज द एसिड ग्रेटर विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ ए माइनस आयन तो ग्रेटर विल बी एच मैं इस बात को नोट के रूप में यहां लिख देता हूं दोबारा से तो एज ए नोट This is an important point since hydrolysis constant is equal to Kw upon Ka Hivala. E Ka jitna small hoga that is weaker acid, H will be more, extent of hydrolysis will be more, and therefore. इड्रोलिस ज्यादा होगा तो ओ एच माइनस ज्यादा बनेंगे तो पी एच ऑल्सो विल बी ग्रेटर मान लो क्वेश्चन लो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑल वन एम वन मोलर विल हैव एस पी एच ऑप्शन देखें जैसे सोडियम सल्फाइड सोडियम ऑक्साइड NaCl, सी एन ए टू एस सी मान लो ये एग्जाम्पल्स हैं तो बताओ क्या आंसर दें फॉलोइंग सोल्यूशन सभी वन एम है विल हैव द हाइस्ट पी एच वैल्यू तो लार्जेस्ट पी एच किसकी होगी उसकी होगी जहां पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा हो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा किसका होगा जो जितना वीक एसिड का एनायन होगा तो आंसर इज बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ध्यान दो अमंग द हाइड्रा एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली हेलोजेंस याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है तो एच टू ओ से स्ट्रॉन्गर एसिड है एच टू एस एच टू एस सी एच टू टी ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसका मतलब स, इन सब में अच्छा ये तो छोड़ो ये वाला ऑप्शन ये सल्फाइड आयन यहां से आया होगा ऑक्साइड आयन वाटर से आया होगा आयन H2C से आया होगा एनए का सोल्यूशन तो वैसे न्यूट्रल होता है ये सभी केसेस क्या है एनाइनिक हाइड्रोलिसिस और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस के सोल्यूशन की, की पीएच क्या होती है सात से ज्यादा और ये पीएच है सेवन तो ये तो वैसे ही हट गया इन सब में भी हाइएस्ट पीएच किसकी आएगी एन ए टू ओ बिकॉज ओम माइनस विल अंटरगो मैक्सिम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस तो इसको यू भी लिख सकते हो आप कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ गो टू माइनस विल बी मोर देन सल्फाइड आयन मोर देन सेलिनाइड आयन मोर देन टेलराइड आयन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस तो दिस इज द डिक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस ऑक्साइड आयन का तो पी एच विल बी लार्जेस्ट दैट्स वाई डिक्रीजिंग पी एच ऑफ सोल्यूशन तो इट इज ए गुड क्वेश्चन तो ये था हमने लिया था केस टू हम बात कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की केस वन में हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस लिया था और कंक्लूड किया था कि ऐसे सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते ऑफ़ हैं में हमने लिया था, base, हमने पाया एनायन का हाइड्रोलिस होता है ओनली कैटायन का नहीं होता और एनायनिक हाइड्रोलिस पी एच बिकम्स मोर देन सेवन सोल्यूशन बिकम्स एल्केलाइन और बेसिक और फिर हमें तीन बातें फाइंड आउट करनी होती थी किसी भी केस में के एच एच एंड पी एच ऑफ द सोल्यूशन वो तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए ना मूविंग फर्दर केस थ्री सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जैसे कौन मोस्टली अमोनिया के डेरिवेटिव्स लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम ब्रोमाइड एनिलीनियम क्लोराइड जैसे ये कैटायन है ये एनायन है ये कैटायन है ये एनायन है ये भी कैटायन ये एनायन एटसेट्रा तो ध्यान दो इसमें क्लोराइड आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्यों हमने ये पढ़ा भी था कि एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडर गो हाइड्रोलिस तो Cl- का कोई हाइड्रोलिस नहीं होगा किसका होगा अमोनियम आयन का यहां भी अमोनियम आयन बट नॉट ब्रोमाइड आयन यहां भी एनिलीनियम आयन का हाइड्रोलिस होगा बट नॉट ऑफ सी एल माइनस नो हाइड्रोलिस तो इसका मतलब ये केस कौन सा बन गया केस ऑफ टाइनिक हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस कैटाइन तो कैटाइन सॉल्ट कैसा होगा ऐसा हो गया जैसे बीसीएल तो सीएल माइनस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा बट किसका हाइड्रोलिसिस कराना है अपने को बी प्लस का तो चलो बी प्लस का हाइड्रोलिसिस लिखते हैं मान लो कॉ की कंसेंट्रेशन सी थी तो ये कंसेंट्रेशन सी है हाइड्रोलोसि रिएक्शन विद वॉटर बेस प्लस एच प्लस अच्छा देखो यहां पर एच प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं वेन सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद वॉटर इट इज प्रोड्यूसिंग एच प्लस सो सोल्यूशन की नेचर कैसी होगी इस बार एसिडिक तो लिख भी देंगे फाइनल सोल्यूशन इज एसिडिक अब एसिडिक है तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा एसिडिक है लिटमस टेस्ट और आपको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड तो मान लो सी था कंसेंट्रेशन जीरो जीरो हाइड्रोलिस एक्सटेंट वन माइनस एच क्या बना सी एच क्या बना सी एच तो यहां से क्या बोलेंगे के एच की वैल्यू बी ओ एच एच प्लस अपॉन बी प्लस इनका तरीका एक जैसा ही होता है ओ एच माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो ये कौन है दिस इज के डब्लू तो ये हो गया के डब्ल्यू और अगर ध्यान से देखोगे तो बाकी का टर्म कौन है वन अपॉन के बी तो के बी ऑफ द बेस कौन सा बेस बी ओ एच वीक बेस उसका के बी तो एक फार्मूला तो यही हो गया बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे पिछले केस में हमने कहा था कि जितना वीक एसिड होगा उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा यहां भी कह सकते हैं जितना वीक बेस होगा उसके कैटायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा अब यहां से एक बात और कह सकते हैं के एच इज इक्वल टू सी एच इन सी एच अपॉन सी वन माइनस एच सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच वापस इक्वेशन वैसी आ गई जैसे प्रीवियस केस में आई थी मान लो इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दिया बट अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं इफ एच इज मच लेस देन या मच लेस देन वन दैट मींस लेस देन इक्वल टू पॉइंट वन तो फिर वन माइनस एच को क्या ले सकते हैं वी कैन टेक वन तरीका मालूम है ये कैसे करते हैं अप्रोक्सीमेशन ये हमने सीखा था वेन वी वैल कैलकुलेटिंग द पी एच ऑफ द वीक एसिड और वीक बेसिस तो यहाँ से के एच की वैल्यू कितनी हो गई दैट इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर तो एच की वैल्यू कितनी आ गई अप्रॉक्सीमेटली के एच अपॉन सी और के एच की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं क्या के डब्ल्यू अपॉन के बी साथ में कौन आ गया सी सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एच बट अप्रोक्सीमेशन इज इन वॉल्ड वॉट एप्लीकेबल वेन एच इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट वन पी एच कैलकुलेशन इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट द पीएच आप जरा ऊपर चलो एनालिसिस में देखो इधर यहां देखो इस इक्वेशन में एच प्लस की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है सीएच के बराबर बस यहीं से सॉल्व करेंगे तो H प्लस की कंसेंट्रेशन सी एच सी इंटू एच कितना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे यहां से के डब्ल्यू अपॉन केबी इंटू सी के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी और जब आप लॉग लोगे और नेगेटिव करोगे उसको तो पी का एक्सप्रेशन यहां इस टाइप से आएगा और ये फॉर्मूले की तरह याद भी रखें आप पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस सी आप वर्कआउट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज द एक्सप्रेशन बट ये भी फॉर्मूला कैब एप्लीकेबल है वेन एच इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट वन अगर एच की वैल्यू पॉइंट वन से कम नहीं है ज्यादा है पॉइंट थ्री है पॉइंट फोर है तो फिर वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला हालांकि ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्मूले ही अपलाई करते हैं बट मैं एक आपको इंसिडेंस बताता हूं इट वॉज आई थिंक आई आई टी एडवांसड समू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड सिक्स आईनिकम से क्वेश्चन आया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का uh, शायद अनाइनिक हाइड्रोलिसिस का था क्वेश्चन में उसमें पीएच पूछी गई थी हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला अभी पढ़ के चुके हैं हम क्या होता है हाइड्रोलिसिस का सॉल्ट में पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्लू प्लस पी के ए प्लस लॉक सी स्टूडेंट्स ने वो फॉर्मूला अप्लाई किया उस फॉर्मूले से जो आंसर आया दैट वॉज वन ऑफ द कॉमन ऑप्शन अवेलेबल स्टूडेंट्स को लगा कि बिल्कुल सही आंसर आ गया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अगर आंसर मैच कर जाए तो लगता है काफी सही है वो बट दैट वॉज रॉन्ग इन दैट क्वेश्चन फॉर्मूला वॉज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एच वॉज मच ग्रेटर वो इस तरीके से सोल्व भी नहीं होना था आपको पहले एच प्लस कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी थी सी फाइंड आउट करके फ्रॉम क्वाडरेटिक एच फाइंड आउट करके फ्रॉम क्वाडरेटिक कहा है क्वाटरेटिक देखो ये रि क्वाटरेटिक दिस वन ये वाली इक्वेशन इस क्वाडरेटिक से पहले एच फाइंड आउट करना होगा उसके बाद फिर आपको सी तो पता होगा सी एच फाइंड आउट करना होगा दैट विल गिव यू द एच प्लस एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दी एच करेक्ट पीएच सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर आई टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस तो हमने तीन केस पढ़ लिए कौन कौन से लेट मी समराइज कौन कौन से तीन केसेस पढ़ लिए हमने पी एच ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस इसमें तो क्या फॉर्मूला इसमें तो पीएच चेंज ही नहीं होती जैसे वाटर की पीएच एच सेवन थी सॉल्ट डिजॉल्व करने के बाद में सोल्यूशन की पी एच क्या रहती है सेम ही रहती है सेवन दूसरा था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रांग बेस थर्ड था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेट एस टेक वन क्वेश्चन ऑन इट मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे फाइंड पी एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट ऑफ पॉइंट फाइव एम एक्वस एच ओ एन ए सोल्यूशन के क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड का दैट इज फॉर एग्जाम्पल फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव यही दिया हुआ है मान लो जो डेटा दिया हुआ है हमें यूज करना होगा तो एक बात तो एक काम करें पहले पहले के एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो के डब्ल्यू अपॉन के ए यही फॉर्मूला होता है तो के डब्ल्यू ये पहचानना पड़ेगा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है और सॉल्ट में भी किसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस बिकॉज एन ए प्लस डज नॉट अंडर गो, गो तो के डब्ल्यू टेन के पावर माइनस फोर्टीन अपॉन के ट इज फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव कितना आ गया पॉइंट टू इंटू टें पार माइनस नाइन सो वी कैन से पावर माइनस टेन इनफ स्मॉल के एच की वैल्यू काफी स्मॉल है हाइड्रोलिसिस ज्यादा नहीं होगा ए एक दो परसेंट मुश्किल से हुआ तो हुआ इससे ज्यादा हाइड्रोलिस नहीं होता इनकेसिस में देर आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द एच एच एक बार अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके देखें पॉइंट वन से कम आ जाए तभी इसको सही मानेंगे वरना फिर क्वाटेटिक से सॉल्व करेंगे तो क्या था वो के एच के एच कितना था टू इन टू टेन टू द पावर माइनस टेन अभी आया है अपॉन कंसेंट्रेशन कितनी टू इंट टेन टू दावर माइनस फाइव सी हाउ स्मॉल इज द दाइड्रोलिस इट इज मच मच लेस देन पॉइंट वन कैलकुलेशन एक बार प्रॉपरली चेक कर लेंगे टू इंटू टेन ऑफ द पावर माइनस टेन तो ये आया था और एच क्या होता है पावर माइनस टेन अपॉन पॉइंट फाइव को वन बाई टू लिख दो 4 हो गया। 2 10 5. 1, तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ये सही है तो फिर पी एच वाला फॉर्मूला भी हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके डब्लू फोर्टीन प्लस पी के ए कितना फाइव माइनस लॉक फाइव प्लस लॉक सी कंसेंट्रेशन कितनी पॉइंट फाइव हाफ फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन माइनस पॉइंट सेवन प्लस लॉग बल्कि जरूरत ही नहीं है लॉग फाइव अपॉन लॉग टेन तो लॉग फाइव की वैल्यू पॉइंट सेवन माइनस लॉक टेन वन कैलकुलेशन आप एक बार जरूर चेक कर लें ये कैंसिल आउट हो गया एटीन आंसर इज नाइन सो पी एच ऑफ सच सोल्यूशन इज नाइन स्लाइटली बेसिक सोल्यूशन आना भी था बेसिक बिकॉज हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस बेसिक सोल्यूशन चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं मान लो ऐसे कहा जाए कि Uh, fi uh, find pH of, for example, point uh, zero two M aqueous solution. फाइंड पी एच ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू एम एक्वे सोल्यूशन ऑफ बी सी एल सॉल्ट इफ केबी ऑफ वीक बेस बी ओ एच इज गिवन एज फॉर एग्जाम्पल द पार माइनस ट्वेल्व मान लो ये क्वेश्चन है तो जरा एक बार देखें के बी इतना दिया हुआ है तो व्हाट इज बी प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएंगे आप बीओ एच प्लस एच प्लस कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है ये पक्का पता है क्लोराइड आयन डज नॉट अंडर गो हाइड्रोलिसिस तो जरा के एच कैलकुलेट करें तो के एच की वैल्यू कितनी आ गई के डब्ल्यू टेन के पावर माइनस फोर्टीन अपॉन टेन टू दर माइनस ट्वेल्व टेन टू द पावर माइनस टू सी इन एफ लार्ज वी हैव टू चेक वी कैन नॉट कैलकुलेट आई थिंक वी कैन नॉट इग्नोर एच इन कंपेरिजन टू वन तो जरा एल्फा अप्रोक्सीमेटली जैसा निकालते थे हम जरा एच अप्रोक्सीमेटली निकालना अप्रोक्सीमेशन करने के बाद के एच अपॉन सी से वट इज के एच minus 2. पावर माइनस टू concentration? इज into टू to the power माइनस टू ये स्क्वायर रूट कितना आ गया लगभग पॉइंट फाइव लगभग पॉइंट सेवन के आसपास सी एच इज नियरली पॉइंट सेवन सो दिस एच इज रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन करने से अप्रोक्सिमेटली कैलकुलेट करके देखा हमने एच को इग्नोर करके इन कंपैरिजन टू वन तो एच की वैल्यू लगभग पॉइंट सेवन के आसपास आ रही है इसका मतलब यह पक्की बात है कि यह गलत है तो फिर वो पीएच का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना कौन सा कैटाइनिक का पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉक सी नो दैट इज नॉट अपलीकेबल ही अगर उससे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर नंबर नहीं मिलेंगे आपको नेगेटिव और मिल जाएंगे नेगेटिव मार्किंग होती है आई आई टी में आप जानते हो सर तो फिर क्या करें फिर तो ये वाला नहीं चलेगी वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच तो के एच की वैल्यू टेन की पावर माइनस टू और यह कितना था तो यह हो गया था टू इंटू टेन ऑफ द पावर माइनस टू इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू टेन द पावर माइनस टू वन माइनस एच यह कैंसिल आउट हो गया तो टू एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एच की वैल्यू कितनी हो गई क्वाटरिक सॉल्व करनी पड़ेगी तो मान लो इसको दो तो से डिवाइड कर दो तो ऐसे लिख दो एच स्क्वायर प्लस पॉइंट फाइव एच माइनस पॉइंट फाइव इज इक्वल टू जीरो एच की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें माइनस पॉइंट फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट फाइव का स्क्वायर मतलब पॉइंट टू फाइव प्लस फोर इन टू पॉइंट फाइव अपॉन टू टू पॉइंट टू पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर रूट अब वो चेक करना पड़ेगा आपको लगभग कितना आएगा आई थिंक टू पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट फाइव आ जाएगा तो वन पॉइंट फाइव माइनस फाइव पॉइंट फाइव वन वन अपॉइंट टू लगभग पॉइंट फाइव तो एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे यहां से तो वैल्यू आ जाएगी आई थिंक टू टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव पर रूट कितना आई थिंक माइनस पॉइंट फाइव आ गया एच सी पॉइंट फाइव है सो दिस वैल्यू पॉइंट सेवन और पॉइंट फाइव में बहुत अंतर है आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमें क्या चाहिए थी पी एच तो वट इज अंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एच प्लस कंसेंट्रेशन इन दैट केस विल बी सी एल्फा सी कितना टू इंटू टेन पावर माइनस टू इन टू एल्फा कितना हो गया टेन की पावर माइनस टू आंसर इज पी एच इज इक्वल टू टू यही आंसर है सो पी एच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी टू सो लाइक दैट वी हैव टू सॉल्व तो ये था क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन अप्लीकेबल नहीं था सोल्ट हाइड्रोलिसिस का था और इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ा तो यह थे थ्री केसेस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टिल मोर केसेस आर देयर वी विल टेकअप इन द नेक्स्ट वीडियो दैट सिट फॉर नाउ थैंक यू